सरोज जी, स्वागत है आपका। ये मेरे को ना दिक्कत आ रही है कब्जी की। मेरा गॉल ब्लैडर निकला हुआ है और गॉल ब्लैडर निकलने की वजह से मुझे एसिड बहुत बनता है। एसिड बनता है और चार चार दिन मुझे मोशन नहीं आता। बहुत ट्रीटमेंट कर लिया, बहुत चूरन फक्कियां ये सब गोल बहुत कुछ खा लिया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। और मैंने आपके वहां फोन किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि जैतून का नमक, और जैतून का नमक खाने से मतलब बताया उन्होंने, फिर मैं मंगा नहीं पाई किसी कारणवश। और दोबारा महीने बाद फोन किया तो उन्होंने मुझे वो बताया गोन मोरिंगा खाना मतलब मंगवा लिया है मैंने। और उसको कैसे लेना है, क्या गोन मोरिंगा और जैतून का नमक एक ही काम करेगा? ठीक है मैम। गौन मोरिंगा से बेहतर जैतून का नमक है। अच्छा, इसको खाना कैसे होता है? सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ों का पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच भर के खाएं, तो और 1 चुटकी या 2 चुटकी गौन मोरिंगा इस पर मिला के खाएं, या नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिला के तब खाएं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, और इसलिए एक बात का ख्याल रखें कि जब आपके घर में खाना बनता हो तो मुमकिन है आप ही बनाती हो या कोई और बनाते हो, तो अदरक इतनी सारी डाला करें, अक्सर महिलाएं इतनी सी डालती हैं, लहसुन भी इतना सारा, और ज़ीरा 1 चम्मच डाल देते हैं, ज़ीरा भी काफ़ी डालें, 6-7 चम्मच ज़ीरा डालें, ऐसे खाना बनना चाहिए। अगर ऐसा खाना बनता है तो ये नुस्खा जो है खाने बनाने का, जो मैंने बता रहा हूँ, ये गॉल ब्लैडर का काम करता है, ये उसकी कमी को पूरा करता है। तो इस तरह खाना बनाया करें और पानी गर्म पिया करें कई कई बार, बेल पत्थर खाया करें और उसका मुरब्बा भी आता है वो खाया करें। ये आता है अरंडी का तेल 1 चम्मच, वो पी के गर्मा गर्म चाय या पानी पिया करें दिन में 1 बार या 2 बार, काफी वक्त लगेगा आपको फायदा होने में। दीपा जी, स्वागत है आपका। दीदी नमस्ते, माने जी भाई साहब को भी नमस्कार। नमस्ते। जी दीपा जी, स्वागत। जी हाँ जी, दो सवाल है मेरे सर। पहला सवाल है कि सर, मैंने आपसे पूछा था कि मेरी सिस्टर की बहू है, उसको यानी ब्लड आता था प्रेगनेंसी में, तो आपने खसखस और गोन मोरिंगा वाला नुस्खा, अब उसको 2 महीने हो गए हैं, तो उसका बिल्कुल 8 दिन में ही रिलीफ हो गया था। मेरी सिस्टर पूछ रही थी, अब उसको बंद करके और क्या मैं उसको नारियल पानी में गोंद मोरिंगा दे सकती हूँ? और सर उसको ना जैसे सर्दी खांसी बहुत बनी रहती है, पूरा समय सू 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 करती रहती है नाक से, और छींके इतनी आती है कि पेट में हाथ पकड़ लेती है, तो उसके लिए भी मैंने आपसे पूछा था। आपने बोला था सपिस्तान वाला और अलसी लिसोड़ा ये वाला नुस्खा देना, तो वो भी एक एक टाइम तो ले रही है, सवा महीने से ले रही है, लेकिन अभी भी सर्दी बहुत बनी हुई है उसको। तो अभी प्रेगनेंसी में सर उसको ये सर्दी खांसी बहुत है, और मतलब क्या ले, नारियल पानी में गोंद मोरिंगा कि कुछ और ले कि खुद भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी? और सर मेरा दूसरी भाभी के लिए नुस्खा, उसका पेट इतना निकला हुआ है, उसकी 40 साल की उम्र है, जैसे ना 9 महीने का पेट बच्चा हो, इतना पेट निकला हुआ है उसको, 6-8 साल हो गए हैं। तो सर ये दो नुस्खे मेरे को बता ठीक। दीजिए। और देखिए, बच्ची को ये सर्दी जो बैठ जाती है ना, दाई में पुरानी सर्दी, उसमें टाइम लगता है और हम कोई भी बड़ा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा देखिए, मैं जो नुस्खा उन्हें देता हूँ गौन मोरिंगा के साथ, वो खशखश वाला, तो वो उसमें खशखश गर्म है थोड़ी, इसलिए देता हूँ। और ये दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगी अगर उन्हें देंगे गौंद मोरिंगा और नारियल पानी, तो ये दोनों चीज़ें ठंडी हैं, तो दें तो खशखश के साथ ही दें। और सपिस्तान उन्ना अलसी वाला पूरा नुस्खा गर्म है, वो एक ही टाइम देंगे और अगले महीने से 2 टाइम कर सकते हैं। और बच्ची को मेरा बड़ा आशीर्वाद देना, और जब वो फारिग हो जाए तो
खास तौर पर बच्चे को भी प्यार करेंगे। पेट जिनका निकला हुआ है उनके लिए एक आता है जीरे का सिरका, वो दे सकते हैं दो दो चम्मच तीन बार, लेकिन उनसे कहें कि थोड़ी मेहनत करें, पैदल चले, खाना जितना खाते हैं उससे आधा खाएं, और वेट कंट्रोल के लिए डाइट कंट्रोल बड़ी ज़रूरी है। और ये भी दे सकते हैं उन्हें जीरे का सिरका और नमक जैतून और सोडे वाला नुस्खा भी उन्हें दे सकते हैं दिन में दो बार, लेकिन डाइट कंट्रोल बेइंतहा ज़रूरी है। डाइट कंट्रोल मैं इतना करता हूँ, मैं भी बहुत मोटा हो गया था और बस एक प्याली दाल पी के आ जाता हूँ, फिर दफ्तर आके एक सेब खा लेता हूँ, फिर रात को जितनी भूख लगती है उससे आधा खाना खाता हूँ। तो आप यकीन करें कि रोज़ाना 50-100 ग्राम वज़न कम हो जाता है, और जितना चाहे आदमी कर ले, ये ज़रूरी है। आप भाभी को समझाइए, अगर सुन रहे हैं तो उनके समझ में आ गया होगा। मैं भी मोटा हो जाता हूँ, मुझे भी सारे रोग होते हैं जो आम आदमी को होते हैं, लेकिन जानकारी होने की वजह से हम लोग उससे बहुत पहले से खबरदार हो जाते हैं और उससे इलाज करना मुमकिन होता है।